क्या पढ़ते हैं चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने चैप्टर थर्ड पढ़ा था। चैप्टर थर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था, शब्द के बारे में पढ़ा था। शब्द के बारे में क्या पढ़ा था, वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। और क्या पढ़े थे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के शब्द पढ़े थे, सार्थक और निर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्थक शब्द कहते हैं। ओके, और क्या पढ़ा था, वाक्यों के बारे में, शब्दों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। क्या करना है, सही उत्तर पे निशान लगाना है। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद होते हैं, कितने होते हैं, दो। शब्दों के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, शब्दों के दो भेद होते हैं। वाक्य के अंग होते हैं, वाक्यों के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं वाक्यों के, वाक्यों के अंग होते हैं कितने अंग होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो अंग होते हैं। ओके, वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद दो होते हैं, वाक्य के अंग दो होते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित करके लिखिए। क्या लिखना है, विधेय। क्या लिखना है, विधेय लिखना है। क्या लिखना है, विधेय। विधेय किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, उद्देश्यों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या है, गंगा। गंगा के बारे में क्या कहा जा रहा है, कि वो क्या है, पवित्र नदी है। तो इसमें विधेय क्या है, पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। ये क्या है, इसमें विधेय है। क्या है, विधेय। अगला क्या है, सुखविंदर बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें क्या है, विधेय क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, सुखविंदर बहुत बुद्धिमान है। क्या है, विधेय। क्या है, विधेय। विधेय क्या है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्या है, हिमालय एक विशाल पर्वत है। हिमालय क्या है, हिमालय एक विशाल पर्वत है। तो इसमें विधेय क्या है, एक विशाल पर्वत है, एक विशाल पर्वत है। पिताजी अंदर बैठे हैं, तो इसमें विधेय क्या है, अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। तो ये क्या है, विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों पर
शब्द है। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो निरर्थक शब्द में क्या बनाना है? गोला। इसमें से निरर्थक शब्द कौन सा है? राबू। इसमें से कौन सा है? वना। वना क्या है? निरर्थक शब्द। इसमें से कौन सा है? वादर। क्या है? निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द में क्या बनाना है? गोला बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है अगला क्वेश्चन? सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। सही वाक्यों पर क्या लगाना है? सही का निशान लगाना और गलत पे गलत का निशान लगाना है। वर्णों के व्यवस्थित मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं। तो ये क्या है? सही वाक्य है। शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ये क्या है? रोंग। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं। कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं। ये भी क्या है? राइट है, सही है। ओके, तो जो सही वाक्य है उसमें सही का निशान लगाना और जो गलत वाक्य है उसपे क्या लगाना है? गलत का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करते हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या करने हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? शब्द किसे कहते हैं? क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्यों के कितने अंग होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वाक्यों के कितने अंग होते हैं? वाक्यों के दो अंग होते हैं। कितने होते हैं? दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? उद्देश्य। कौन सा है? उद्देश्य। और दूसरा विधेय। कौन सा है? विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उदाहरण सही लिखने हैं। तोता पेड़ पर बैठा है। तोता पेड़ पर बैठा है। तो इसमें हमको क्या देखना है? क्या देखना है? उद्देश्य और विधेय। तो तोता क्या है? क्या है तोता? तोता उद्देश्य है। क्या है? तोता उद्देश्य है। और पेड़ पर बैठा है क्या है? पेड़ पर बैठा है ये क्या है? विधेय है। क्या है? विधेय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उद्देश्य तथा विधेय की परिभाषा लिखिए। क्या लिखनी है? उद्देश्य तथा विधेय की परिभाषा लिखिए।
तो उद्देश्य की परिभाषा क्या होती है? वाक्यों में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है। वाक्यों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तोता। और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है और इसके बारे में अच्छे से समझना है। और बाद में क्या करना है? बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और फिर इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।